ये है हमारे मीशो के 9 पाकिस्तानी सूट, जो कि सारे पाकिस्तानी सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं और अफोर्डेबल है। और सबसे सरप्राइजिंग बात कि ये सारे सूट स्टिच्ड हैं। और ये वाले जो सूट है, मैंने जो ऑर्डर किए थे पिक्चर में, बहुत 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 ज़्यादा क्लासी लग रहे थे। अब देखना वही है कि आए कैसे हैं। और ये 9 सूट है, मैं आपको पूरे 9 सूट का ओवरव्यू पहले ही करवा देती हूँ कि कौन कौन से 9 सूट का हम हॉल करने वाले हैं, तो देख लो एक एक करके। तो ये है वो पूरे 9 सूट। जिनका हम आज रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बार तो बता दिया कि कौन कौन से सूट हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या वैसे आए हैं कि नहीं आए, क्या उनकी क्वालिटी वैसी है कि नहीं है जैसे पिक्चर में दिख रही थी, क्योंकि पिक्चर में तो सारे ही एकदम बेस्ट दिख रहे हैं। और अगर वैसे आ गए तो ये वाला हॉल बहुत बेस्ट हॉल होने वाला है। और स्टिच्ड सूट हमें मिले तो हम ट्राई भी करके देखेंगे कि कैसे लग रहे हैं, और साइज वगैरह सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो चालू करते हैं अपने पहले सूट से। तो हमारा पहला सूट है ये ब्लू कलर का। ये पूरा सूट क्रस्ट में दिख रहा है पिक्चर में, पूरे ऊपर से नीचे तक बटन है, और इसके साथ पैंट भी है, वो भी क्रस्ट में है, और कलर है डार्क ब्लू। पिक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पास से भी देखो। अब देखेंगे कि वैसा आया है कि नहीं आया, और इसका प्राइस है 754 रुपीज़। तो चलो देखते हैं। हाँ, कलर तो एग्जैक्ट सेम लग रहा है हमें जैसे पिक्चर में दिख रहा था। और वाओ, ये देखो, इसका ये वाला है कुर्ता, और नीचे इसमें प्लाजो भी है। पैंट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नीचे से चौड़ा है, तो उसको हम प्लाजो ही बोलेंगे। तो ये है इसका कुर्ता, ये देखो बिल्कुल क्रस्ट पैटर्न में है, और एग्जैक्ट पिक्चर में जैसे दिख रहा था वैसे आया है। और मैं इसके बता दूँ, इसका जो कपड़ा है ना वो सीफॉन है, और साथ में इसमें एक लाइनिंग लगी हुई है, जो कि जो लाइनिंग है ना सिल्क की लाइनिंग इसमें लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और पूरे में लाइनिंग है, नीचे तक ही लाइनिंग है, ये देखो बिल्कुल एक थोड़ा सा पोर्शन भी नहीं छूटा जहाँ पर लाइनिंग नहीं हो, पूरी नीचे तक ही इसमें लाइनिंग दे रखी है। और इसके कपड़े की क्वालिटी भी बहुत प्यारी लग रही है। और दूसरी सबसे अच्छी बात इस वाले कुर्ते की कि इसमें जो बटन दे रखी है ना, वो पूरी नीचे तक ही ओपन हो जाती है। और इस वाले सूट में साइड से कट नहीं है, तो पूरा सूट पूरा ऐसे गोल पैटर्न में है, क्योंकि इसमें कट थोड़ा सा आएगा, बहुत थोड़ा सा, जो कि फ्रंट में आएगा। और ये है इसके प्लाजो, जैसे कुर्ते का कलर था पैटर्न था एग्जैक्ट प्लाजो का भी है, और ये प्लाजो भी पूरा क्रस्ट में है। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि इसमें भी लाइनिंग दे रखी है, और ये देखो इसमें इस तरीके की लाइनिंग है, लाइनिंग अलग से है, इसमें एक तरफ ही लाइनिंग अटैच्ड है, दूसरी तरफ लाइनिंग इसमें अटैच्ड नहीं है। और इसकी इलास्टिक भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेचेबल है। तो इसको बियर करके देख लेते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है। तो कुछ ये आया है इस वाले सूट का लुक, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। बस थोड़ा सा गर्मी इसमें लग रही है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, और इसमें अंदर लाइनिंग है वो भी है, और ये जो क्रस्ट का कपड़ा है ना, तो थोड़ा सा हैवी हो रहा है। बाकी इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी आई हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आया है स्लीव्स का, देखो कितना प्यारा आया है। मतलब मुझे ये पिक्चर से ज़्यादा सामने अच्छा लग रहा है, ये बटन पूरी ओपन हो जाती है, नेक कुछ ऐसा आया है, और इसके जो पजामा है ना नीचे जो पैंट है उसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है, तो मैंने उसको थोड़ा सा मोड़ कर पहना है। स्लीव्स कुछ ऐसी आई हैं, और ये पूरा इसका लुक है। नीचे से एक इसमें एक यूनिक पैटर्न आ रहा है, नीचे से आप अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ना ऐसी ऐसी वेव्स आ रही हैं, जिनकी वजह से ये कुर्ता और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कहीं से नहीं चुभ रहा है, और फ्रंट लुक है, बटन की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। बैक लुक देख लो इसका, ये इसका बैक लुक है। मुझे ये सूट बिल्कुल प्राइस के हिसाब से परफेक्ट लगा, आप भी ले सकते हो। लिंक वगैरह सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इस बार मैं लिंक के साथ कोड भी डाल दूंगी, तो चेक कर लेना। चलो अगला देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो वाला ये है, देखो इसमें ना और भी बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, मैंने इसका ब्लैक भी मंगाया है, लेकिन ब्लैक अभी आया नहीं है। तो इसका एक दूसरा वाला कलर आया है जो कि ये है,
और ये कलर भी अच्छा लग रहा है। तो हमने डार्क पर्पल मंगाया है। इसका इसकी स्लीव्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, इसकी कुर्ती का लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा लग रहा है। इसका प्राइस है 659 रुपीज़ ओनली। तो पिक्चर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या हमें वैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखो वो है ये, जिसमें 659 रुपीज़ में हमें पैंट भी और कुर्ता दोनों मिले हैं। ठीक है, तो इसका कुर्ता ओपन करते हैं। जैसे कलर पिक्चर में दिख रहा था उससे थोड़ा सा लाइट है, ये देखो वो उसमें पिक्चर में थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा था, ये थोड़ा सा लाइट। ये इसका पूरा लुक है, ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स भी उसमें ना जो स्लीव्स थी ना पिक्चर में उसमें थोड़ी सी नीचे साइड से चौड़ी थी, इसमें पूरी ही स्लीव्स चौड़ी हैं। पहनने के बाद क्या लुक आएगा वो पहनने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसका फ्रंट लुक है। पूरे में इसमें थ्रेड वर्क हो रखा है, साथ में इसका जो ऊपर का कपड़ा है वो सीफॉन है और नीचे इसमें अस्तर लगा हुआ है, वो सिल्क का अस्तर लगा हुआ है। और इसका ये नेक का डिज़ाइन है और देखो पूरा साइड में इस तरीके से डिज़ाइन है इसमें, और नीचे नीचे भी इसमें डिज़ाइन है। ये इसका फ्रंट का लुक है और ये है इसका बैक का लुक। अच्छा लग रहा है, ये भी देखने में एग्जैक्ट सेम तो नहीं है पिक्चर जैसा, लेकिन ये भी बुरा नहीं लग रहा है। अब प्राइस भी देखो यार, प्राइस के हिसाब से इतना ही मिलता है, साथ में इसमें पैंट भी दे रखा है। पैंट की जो क्वालिटी है ना वो मैं कहूँगी कि ये रियॉन टाइप का पैंट है इसमें, साथ में नीचे में इसमें वो लगी हुई है, नेट लगी हुई है, उसमें भी थ्रेड वर्क हो रखा है जैसा कि हमारे कुर्ते में हो रखा था, एग्जैक्ट सेम थ्रेड वर्क हो रखा है इसमें। और अच्छा लग रहा है, पैंट की लंबाई काफ़ी अच्छी है, नीचे नेट है, इलास्टिक दे रखी है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेच हो रही है। बाकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। पहनने के बाद ये कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि बहुत लूज़ पैटर्न इसका लग रहा है। तो चलो इसको वेयर करके देखते हैं कि पहनने के बाद कैसा लगेगा। तो भाई ये आया है इस वाले कुर्ता सेट का लुक, बहुत ज्यादा प्यारा है। थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लीव्स उसकी और भी ज्यादा थोड़ी चौड़ी थी, लेकिन ये भी बुरी नहीं लग रही है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। पैंट का कुछ ऐसा आया है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। स्लीव्स में स्लीव्स वगैरह कपड़ा वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, कहीं से भी नहीं चुभ रहा है। पहनने के बाद लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल इसका ये लूज पैटर्न है तो बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये लूज पैटर्न में भी पैंट की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, नीचे देखो इस तरीके से नेट लगी हुई है और लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। ये पूरा इसका लुक है। कुर्ती की लेंथ भी मुझे बहुत सही आई है ये, और इसका नेक कुछ ये आया है, बिल्कुल सही आया है। सिलाई वगैरह सब कुछ अच्छी है, कहीं से नहीं चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। मुझे तो ये सब कुछ कलर में कपड़े में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि आपको कौन सा वाला कुर्ता सेट ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, मीशो का जो लोगो है उसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है। पहले कुछ और था, अब ये वाला कलर हो गया है। जो मैंने पहन रखा है सिर्फ वही कलर हो गया है। तो पहले वाले कलर की आदत है ना, तो अभी ये वाला कलर थोड़ा सा दिमाग में एडजस्ट नहीं हो रहा, बाकी लगने लगेगा धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ये ब्यूटीफुल हैवी रियॉन कुर्ता पैड। देखो पिक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये वाला कुर्ता अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। कुर्ता प्लस पैंट दोनों हैं। इसमें सलवार जो है इसको अफगानी सलवार बोलते हैं, और इसका प्रिंट वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये कॉलर वाला कुर्ता है और इसका प्राइस है 845 रुपीज़। तो ओपन करके देखते हैं कि क्या वैसा आया है क्या। प्राइस तो काफ़ी अच्छा है तो वैसा ही आना चाहिए। फर्स्ट लुक बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ठीक है, ये इसका कुर्ता है। कलर वगैरह एग्जैक्ट सेम आया है हमें जैसे दिख रहा था पिक्चर में। ये देखो कितना प्यारा इसका नेक दे रखा है, साथ में कॉलर है, और नेक में ना थोड़े से कुछ अलग अलग टाइप के गोल्डन कलर के ये निकल ही गया, मैंने हाथ लगाया और निकल गया, लेकिन बहुत अच्छा ये लटकन लगे हुए हैं। वही ये एक ही निकला, इसको मैं बाद में लगा लूँगी, इसको रखती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसका जो कपड़ा है ना वो प्योर कॉटन का कपड़ा है, बहुत प्यारा कॉटन है। और इसकी स्लीव्स 3/4 या फुल कुछ आएंगी, पहनने के बाद समझ में आएगा। स्लीव्स थोड़ी सी लूज ही हैं, और
और जो कॉलर में पैटर्न दे रखा है वो स्लीव्स के साइड में भी दे रखा है, और इसमें ना गोल्डन कलर की लेस से डिटेलिंग हो रखी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये पूरा इस तरीके से है और नीचे पूरा प्लेन है, ठीक है। ये इसका कुर्ता है, ये फ्रंट लुक है और ये बैक लुक है इसका, ठीक है। साथ में इसमें पैंट भी दे रखा है जो कि अफगानी तरीके का है, पूरा तो लाइनिंग लाइनिंग में ऐसा है, ऊपर से इलास्टिक लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी स्ट्रेच हो रही है। जो साइज़ है वो मीडियम लिखा हुआ है इस पर, मीडियम ही ऑर्डर किया था मैंने। और ना क्या बोलूँ, प्योर कॉटन है ये, प्योर कॉटन का पैंट है। और ये नीचे इस तरीके से सलवार बोलूँगी, पैंट बोलूँगी, क्या बोलूँगी पता नहीं। और इसमें भी वही थोड़ी सी डिज़ाइन जो अलग से लगे थे ना गोल्डन कलर के, इसमें भी लगे हुए हैं। तो चलो पहन कर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। माय गॉड, कितना प्यारा आया है ये, जैसे पिक्चर में दिख रहा था, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस वैसी नहीं थी लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है। लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है, कंफर्टेबल तो इतना है क्योंकि प्योर कॉटन है, प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। इसका एकदम यूनिक पैटर्न ये वाला, और सलवार का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कॉलर की क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छी है, कहीं से नहीं चुभ रहा है। सलवार की इलास्टिक बहुत कम्फर्टेबल है और एकदम सही लेंथ में सलवार आई है, और भी अगर लंबे हैं तो मैंने काफ़ी ऊपर करके पहन रखी है तो पहन सकते हैं। नीचे से इसकी डिज़ाइन दिख रही हो तो देखो कितनी प्यारी आई है, बहुत यूनिक लुक लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। ट्रैवल वगैरह में हम इसको और भी कहीं बहुत सारी जगह आराम से पहन सकते हैं। सबसे अच्छी तो ये नेक का जो पैटर्न आया है ना, बहुत यूनिक आया है। स्लीव्स कुछ इतनी आई है ये देखो कुछ, और इसकी लंबाई कुर्ते की इतनी आई है। पूरा ये फ्रंट का लुक है, बैक का देखो, ये इसके बैक का लुक है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि इसमें पॉकेट भी है और काफ़ी अच्छी स्पेस की, मतलब काफ़ी अच्छी, मोबाइल आराम से आ जाएगा, इतनी बड़ी पॉकेट है वॉलेट मोबाइल, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कुर्ता सेट मुझे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कलर वगैरह, कलर इसमें एक ही है और मैंने जो साइज मंगाया वो मीडियम है, ठीक है। इसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो अगला है वो ये है, ब्लैक कलर का पिक्चर में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ना इसमें नहीं, एक ही कलर अवेलेबल है और इसका प्राइस है ना 813 रुपये है। इसमें जो रिव्यू दे रखे थे ना, रिव्यू में भी बहुत अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल कॉटन लग रहा है, चिकनकारी वर्क, कॉटन के थ्रेड का वर्क हो रखा है। और ओपन करके देख लेते कि वैसा आया कि नहीं, क्योंकि पिक्चर में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ब्लैक कलर है और हाँ, कपड़ा इसका कॉटन है, साइज़ मैंने मीडियम, क्योंकि मीडियम से स्टार्टिंग है तो मैंने साइज़ मीडियम मंगाया है। तो उस कुर्ते का लुक देखा था ना, एकदम डिफरेंट था, तो इसको देख लेते कैसा है। हाँ, जैसे पिक्चर में दिख रहा था एग्जैक्ट सेम आया है और प्योर कॉटन है, थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये मुझे लग रहा है। और ना स्लीव्स पूरी इस तरीके से भरी हुई हैं और जहाँ पे जो कढ़ाई कर रखी है ना स्लीव्स में, उसके नीचे इस तरीके का ये पूरे में लगा हुआ है, तो शायद ये कढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा लगाया जाता है ताकि कढ़ाई हो पाए शायद, मुझे नहीं पता। बाकी मैंने बहुत सारे कपड़ों में ऐसा देखा है जिसमें कढ़ाई होती है। तो ये इसका पूरा फ्रॉक लुक है, आप पता नहीं पहनने के बाद कैसा लगेगा। काफ़ी सारा इसमें नीचे घेर है और पूरा नीचे भी धागे की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। ये इसका फ्रंट लुक है और ये है इसका बैक लुक, लेकिन बैक में ये पूरा कुर्ता नीचे तक ही खाली है। और इसके साथ जो प्लाजो सरारा जो भी दे रखा है, ये भी जैसे कुर्ती का कपड़ा था एग्जैक्ट वैसा ही है। इसका कलर, एम्ब्रॉयडरी सब कुछ वही है। पैंट की लंबाई मुझे लगता है एंकल है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। एंकल इसकी लेंथ मुझे लग रही है और इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। इसमें जो इलास्टिक दे रखी है वो भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है। क्वालिटी वगैरह इसकी सब कुछ अच्छी लग रही है। साइज तो हमने देख ही लिया है, तो इसको बियर करके देख लेते कि पहनने के बाद कैसा लगेगा। तो ये आया है इस वाले सेट का लुक, इसको कॉट सेट भी बोल सकते हैं, इसको कुर्ता सेट भी बोल सकते हैं। पाकिस्तानी कुर्ता सेट जब सर्च करा था तो ये भी आया था मुझे, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। बाकी लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पिक्चर में दिख रहा था एग्जैक्ट सेम आया। लेंथ वगैरह आप देख ही रहे हो कि कितनी प्यारी सही आई है, इसकी स्लीव्स कुछ इतनी आई है,
3/4 से नीचे है, फुल से थोड़ी कम है, बाकी इसका प्रॉपर लुक बहुत अच्छा लग रहा है। कंफर्टेबल बहुत है क्योंकि प्योर कॉटन है, पहनने के बाद कहीं से नहीं चुभ रहा है, देखने में तो बहुत प्यारा लग ही रहा है। आप लोगों ने ये वाला सेट और भी बहुत सारी वीडियोस में देखा हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और मतलब प्राइस के हिसाब से और मीशो से लिया है उस हिसाब से अगर मैं क्वालिटी देखूं तो बहुत प्यारी आई है। थ्रेड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, नीचे से जैसे ये वाइट कपड़ा लगा रखा है तब इन्होंने थ्रेड का वर्क करा है तो वो नहीं चुभ रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। इसमें बस यही है कि ये जो पूरा डिज़ाइन और पैटर्न और थ्रेड वर्क है वो सिर्फ फ्रंट में है, बैक में इसके बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरा बैक में ये आएगा, लेकिन पैंट में बैक में भी है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब बहुत कंफर्टेबल है, इसको कहीं से अलग से हमें संभालना नहीं पड़ेगा, बस पहन के आराम से फ्री होके हम कहीं भी चल सकते हैं, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल। प्राइस के हिसाब से और मेरे हिसाब से ये वाला सेट परफेक्ट लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है जो कि है हमारा चिकनकारी कुर्ता सेट, बहुत प्यारा लग रहा है पिक्चर में। प्राइस 682 रुपीज़ है, जिसमें कि हमें प्लाजो भी मिल रहा है और कुर्ता भी मिल रहा है, पूरा चिकनकारी वर्क हो रखा है। अब देखते हैं कैसा आया है। कुर्ता काफ़ी हैवी लग रहा है। हाँ, ये देखो ग्रीन कलर का है, इसमें शायद और भी कलर अवेलेबल है। तो पहले इसका कुर्ता देखते हैं। तो ये देखो जैसे पिक्चर में दिख रहा था कुर्ता एग्जैक्ट सेम आया है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। कुर्ता काफ़ी हैवी है, ये देखो पूरा फ्रंट से भरा हुआ है, बटन की डिज़ाइन दे रखी है, डिज़ाइन ही है ये, ओपन नहीं होती है, फ्रंट से पूरा बटन की डिज़ाइन दे रखी है। कुर्ता पूरा फुल लेंथ कुर्ता है और क्वालिटी, इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है ना, मतलब ये जो प्योर जॉर्जेट होता है ना, होता है ना जो प्योर जॉर्जेट होता, एक मिनट, ये जो प्योर जॉर्जेट होता है ना, ये वो वाला जॉर्जेट, कॉटन के धागे की इसमें चिकनकारी वर्क हो रखा है लखनवी, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये देखो पूरा फ्रंट ये है, बस इसमें मुझे एक बात है, इसमें लाइनिंग नहीं दी है तो इसको कैसे ही पहना जाएगा, क्योंकि इसको हमें अलग से इसके कलर की मैचिंग की लाइनिंग पहनना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके ये बहुत अच्छा लुक देगा। ये इसका फ्रंट का लुक है, पूरा भरा हुआ है नीचे तक ही, काफ़ी लंबा कुर्ता है ये देखो, और ये इसका बैक का लुक है। बैक में भी इसमें धागे की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत सारी जगह दिख रही हो तो बहुत सारी जगह हो रखी है। इसकी चौड़ाई वगैरह बहुत अच्छी है, कट भी इसके बहुत सही जगह से हैं। मुझे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके बाद इन्होंने ना पैंट भी दे रखा है, ये देखो प्योर कॉटन का वाइट कलर का पैंट है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, प्योर कॉटन है। चौड़ाई कुछ इतनी है, लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर हाइट के इंसान को ये आ जाएगा। ये है पूरा इसका लुक, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। अब देखते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। तो ये आया है इसका लुक, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कंफर्टेबल बहुत लग रहा है। देखो ये सी थ्रू है क्योंकि इसमें कोई भी अलग से लाइनिंग नहीं आई, अगर इसमें लाइनिंग होती तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। ये इतना ज़्यादा, इसका कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, कहीं से भी नहीं चुभ रहा, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, लुक कुछ ऐसा आया है। तो पैंट मैंने यहाँ से देख पहना है तो वो दिख ही रहा है क्योंकि इसमें लाइनिंग नहीं है, तो मुझे थोड़ी जो भी मेरे पास छोटी लाइनिंग थी मुझे उससे एडजस्ट करना पड़ा। हाँ, अगर इसमें लाइनिंग होती तो ये बहुत अच्छा लगता, पैंट की लंबाई काफ़ी है, देखो पूरा नीचे तक जा रहा है, तो देखो नीचे इसमें डिज़ाइन है तो ये कटेगा तो नहीं, तो इसको ऊपर से ही फोल्ड करके हमें पहनना पड़ेगा। और ये कुर्ते में पूरा भरा हुआ कुर्ता है, ये इसमें डिज़ाइन है, बटन की बहुत अच्छी लग रही है, कपड़े की ही बटन है, स्लीव से फुल आई है इसकी, बहुत प्यारी रही है, कुछ नेक का पैटर्न आया है। ओवरऑल लुक इसका ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे हिसाब से ये वाला परफेक्ट है। लाइनिंग आपको अलग से सिलवाना पड़ेगी, ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की लाइनिंग सिलवाना तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग गया है, आप भी ले सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, शॉर्ट कुर्ती है, प्योर वाइट कलर का है, थोड़ा सा पिंक कलर का नेक में वर्क हो रखा है। प्राइस है 619 रुपीज़, और मैंने जो साइज़ मंगवाया है वो है मीडियम, क्योंकि इसमें मीडियम से ही स्टार्टिंग है और डबल एक्सल तक है। तो चलो ओपन करके देखते हैं कि कैसा आया है। इसका नेक तो बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है, ये पूरा कुर्ता सेट ही है,
और इसका जो प्लाजो मतलब इसका जो नीचे वाला सलवार है ना वो भी अफगानी में है। ठीक है, तो ये है इसका कुर्ता जो कि शॉर्ट पैटर्न में है। ये देखो इसका जो नेक है ना कितना प्यारा लग रहा है। इसका जो कपड़ा है प्योर कॉटन का कपड़ा है, साथ में नेक में यहाँ पे साइड से लेस लगा रखी है, ये वाइट कलर की ही लेस है। और ये पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है नेक पे जो कि ग्रीन येलो और पिंक डार्क पिंक कलर में हो रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी जो स्लीव्स है 3/4 है और ना स्लीव्स के साइड में भी लेस लगी हुई है। और देखो यहाँ पर मुझे इसमें दिख गया एक डिफेक्ट जो कि इसकी स्लीव्स है ना कि जो लेस है वो यहाँ पर फटी हुई है, जस्ट मैंने अभी देखी। और साथ में उसमें 2-3 ब्लैक कलर के दाग भी लगे हुए हैं। वैसे ये होना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने अभी ओपन किया है, कुछ ऐसा ही रिसीव हुआ है तो मुझे ये इसमें डिफेक्ट आ गया है तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा। बाकी ये पूरा ओवरऑल लुक वाइज बहुत अच्छा है। ये वाली स्लीव्स भी देख लेते हैं, ये वाली स्लीव्स तो पूरी परफेक्ट आई है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। साथ में इसका सलवार देखते हैं जो कि ये है। सलवार तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही है मुझे, बहुत मतलब मुझे देखो इतनी ज़्यादा लंबी है। नीचे से इसका ये वाला पैटर्न है जो कि आजकल बहुत चल रहा है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी इलास्टिक है काफ़ी अच्छी, स्ट्रेचेबल है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो चलो इसको बेयर करके देखते हैं कि पहनने के बाद कैसा लगने वाला है। इसका लुक एग्जैक्ट पिक्चर में दिख रहा था, बिल्कुल वही का वही दे दिया है। इसका जो डिफेक्ट है मैंने बताया था, थोड़ी सी लेस निकल रही है तो वो लेस हम आराम से किसी से भी सिलवा सकते हैं या हम खुद भी सिल सकते हैं। बाकी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें दिख रहा था, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल बहुत है। थोड़ा सा सी थ्रू है तो अंदर कुछ पहन के पहनना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब स्लीव्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट है वो है येलो कलर का। ठीक है, और इसका जो इसकी जो स्लीव्स है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है नीचे से। इसका प्राइस है वो है 764 रुपीज़। इसमें रिव्यू भी बहुत सारे हो रखे हैं तो मैंने इसलिए रिव्यू देख कर लिया। तो ये है वो हमारा येलो कलर का। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं कि कुर्ता कैसा आया है। जैसे पिक्चर में दिख रहा था एग्जैक्ट सेम आया है, बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ये वाइट कलर की लेस लगी हुई है, बहुत प्यारी लेस की क्वालिटी है। सबसे इसकी जो यूनिक थी वो इसकी स्लीव्स थी। तो देखो स्लीव्स कितनी चौड़ी आई है नीचे से, पहनने के बाद इनका बहुत सुंदर लुक आने वाला है। साइड में स्लीव्स के एंड में डिटेलिंग के लिए यहाँ पे 2 लेस लगा रखी हैं। लेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस वाले कुर्ते का जो कपड़ा है वो प्योर कॉटन है, साथ में इसमें साइज़ वगैरह कुछ भी नहीं लिख रखा। ठीक है, ये इसके स्लीव्स का लुक है। और ये वाला कुर्ता ना साइड से कट वाला कुर्ता नहीं है, ये पूरा जुड़ा हुआ है और नीचे इसमें इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा है कुर्ता और फ्रंट में यहाँ पे लेस लगा रखी है। ठीक है, इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक लुक है। तो पहन कर देखते हैं कि कैसा लगेगा। नहीं नहीं अभी पैंट भी रह गया इसका, ये इसका पैंट है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेचेबल है। कपड़ा इसका कॉटन है और उसमें नीचे क्या बोलते हैं नीचे लेस लगा रखी है। तो चलो पहनते हैं। तो देखो कुछ ये आया है इस वाले कुर्ता सेट का लुक। देखो मैंने जो साइज ऑर्डर किया था वो मीडियम था क्योंकि मीडियम बहुत बड़ा होता है और मीडियम से इसमें स्टार्टिंग थी, लेकिन मीडियम के हिसाब से ये वाला कुर्ता सेट बहुत ज्यादा मतलब स्मॉल आया मुझे। मतलब मैंने कितनी मुश्किल से इसको पहना है वो मुझे पता है क्योंकि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा आया है। वैसे तो इसको लूज पैटर्न में होना चाहिए था, जिस तरीके से इसकी स्लीव्स हैं, जिस तरीके से इसको पिक्चर में दिखाया था इसको लूज पैटर्न में होना चाहिए था, लेकिन ये मीडियम मंगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइट आया है, बहुत ज़्यादा छोटा आया है। मतलब मीडियम ये तो एक्स्ट्रा स्मॉल वाले को भी एकदम फंसने वाला है, इतना ज़्यादा छोटा आया है। ये देखो इस तरीके से इसमें स्लीव्स दे रखी हैं, बाकी इसमें साइज का इशू है, नहीं तो ये लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पैंट जरूर इसका कंफर्टेबल है, लेंथ बहुत अच्छी है। अब पता नहीं साइज का इशू आ कैसे गया, मीडियम तो काफ़ी बड़ा होता है तो मीडियम आना चाहिए था, बट जो भी है ये है।
इसको एक्सचेंज में करके देखूंगी, अगर साइज सही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस फिट का एक बार साइज का देख लेना, साइज का चक्कर होता है, अगर सही नहीं आया तो हम एक्सचेंज में करके दूसरा ले सकते हैं। बाकी ये इसका पूरा लुक है फ्रंट का, बैक का तो मैं कहीं बताऊं, मैंने जैसे तैसे इसको पहन लिया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला है ये, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है, कलर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें। और भी दो कलर अवेलेबल हैं, ग्रीन है और ब्लू है, मैंने ये वाला मंगाया है। और ना बहुत यूनिक लुक है, पीछे से लंबा है, पैंट भी साथ में रखा है, स्लीव्स इसकी सबसे ज़्यादा यूनिक है। प्राइस इसका 567 रुपीज़ है, मैंने जो साइज़ मंगाया वो मीडियम है, मीडियम से स्टार्ट है। देख लेते हैं कैसा आया है। वाओ, कलर एग्जैक्ट जैसे पिक्चर में दिख रहा था वैसे ही आया है। और इसका कपड़ा ना रियॉन है, जिनका कलर कभी नहीं निकलता, ये देखो बिल्कुल कुर्ता एग्जैक्ट पिक्चर जैसा आया है। ये देखो जैसे उसमें डिज़ाइन थी ना, यहाँ पे पूरी बटन 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 वाली डिज़ाइन है नीचे तक। और ये थोड़ा सा यूनिक पैटर्न इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन वाला पैटर्न बना रखा है जैसे पिक्चर में दिख रहा था। और सबसे क्यूरियस थिंग इसकी कि इसकी स्लीव्स देखो एग्जैक्ट वैसी आई हैं जैसे पिक्चर में दिख रही थी, लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और ना ये देखो इसका पूरा पैटर्न, फ्रंट का इसका पोर्शन है वो छोटा है, बैक का पोर्शन इसका लंबा है। मैंने जो साइज़ मंगाया था वो मीडियम मंगाया था, लेकिन इन्होंने मुझे भेज दिया लार्ज। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज और लंबा रहने वाला है, तो देखते हैं कि कैसा लगेगा। इसमें साथ में एक पैंट दे रखा है जो कि कैसा है, प्लेन ही है, पैंट प्लेन ही है। इसमें इसकी पैंट की ना यहाँ से थोड़ी सी सिलाई में डिफेक्ट है, तो यहाँ से सल खा रही है इसकी सिलाई, बाकी तो पैंट बहुत अच्छा है। हो सकता है वो निकल जाए, लेकिन देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही है, वो हो सकता है पहनने में भी अजीब लगे। और ना इसका कपड़ा बहुत अच्छा वाला रियॉन है, और ना इसमें अच्छी खासी पॉकेट भी दे रखी है, और इलास्टिक भी इसकी काफ़ी स्ट्रेचेबल है, इसमें भी लार्ज साइज़ लगा लिखा है। तो चलो वियर करके देखते हैं कि कैसा लगेगा और आएगा कितना लूज आएगा। तो कुछ ये आया है, ये वाली कुर्ता सेट का लुक बहुत ज़्यादा परफेक्ट आया है, और कलर तो मतलब पूछो ही मत कि कितना प्यारा आया है इसका कलर, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर इसका कलर लग रहा है। फिटिंग वगैरह तो लूज बटन में है, तो फिटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत अच्छा लग रहा है। लूज बटन में होने के बाद भी ये बुरा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पैंट की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने भी इसको काफ़ी मोड़ कर पहना है। अगर जब मैं इसको प्रॉपर पहनूंगी तो मैं इसको नीचे से कटा कर पहनूंगी। और देखो इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं नाइट सूट पहन के घर में हूँ, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। लुक तो आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा प्यारा आया है। ये इसका फ्रंट लुक है जो कि फ्रंट में छोटा है, और ये बैक में है, ये बैक में थोड़ा सा लंबा है, बहुत परफेक्ट आया है। लुक वाइज प्राइस वाइज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं से इसमें कोई भी कमी नहीं है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जब मैं इसको बिना पहने देख रही थी तब मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहनने के बाद तो मेरा इसको निकालने का मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। फ्रंट का है, अभी बैक का देख लेते हैं। ये इसका बैक का है, ये थोड़ा सा पठानी टाइप में मुझे लग रहा है। हाँ जो भी है परफेक्ट है, मेरी तरफ से ये परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ये ग्रीन कलर का, इसमें और भी एक कलर अवेलेबल था जो ग्रे था, तो मैंने ग्रीन मंगाया है। इसका प्राइस है 521 रुपीज़, जो कि लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो देखते हैं आया कैसा है। देखो एग्जैक्ट वही कलर आया है जैसे पिक्चर में दिख रहा था, और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। मुझे कौन सा साइज़ भेज दिया इन्होंने, दो नंबर लिखा है, कुछ साइज़ ही नहीं लिखा है। देखो बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा है, पता नहीं कैसे ही आएगा मेरे को। और इसमें जो डिज़ाइन दे रखी थी पिक्चर में, यहाँ पे सिलाई वाली डिज़ाइन है, बहुत प्यारी लग रही है। स्लीव्स कुछ ऐसी हैं, और काफ़ी बड़ी स्लीव्स लग रही हैं, बहुत लंबी आएंगी देखना। और स्लीव्स में जो डिटेलिंग है ना, वो जो इस वाली डिज़ाइन की बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा हमें ऐसी स्लीव्स बनवाना चाहिए, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, ठीक है। और सेम नेक में ही डिज़ाइन है इसके,
साथ में इसमें पैंट दे रखा है, वो सिंपल है। उसका कपड़ा भी जैसे कुर्ते का कपड़ा था सेम पैंट का कपड़ा है, इलास्टिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो इसको बियर करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो ये आया है इस वाले कुर्ता सेट का लुक। पर्सनली टू बी फ्रैंक अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ये नहीं लगा है, लेकिन ऐसे मतलब अगर हो सकता है मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है स्लीव्स वगैरह से, बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, बट मुझे लुक वाइज इतना समझ में नहीं आ रहा कि इसका कैसा लुक आना चाहिए तब ये अच्छा लगेगा। इसका कुछ ये आया है फ्रंट में बराबर ही है दोनों तरफ से, और इसका काफ़ी लूज पैटर्न है, पैंट कुछ इतना आया है और स्लीव्स कुछ इतनी आई है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कंफर्टेबल तो लग रहा है बट मुझे नहीं समझ में आ रहा ये लुक वाइज कैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलो थी आज की हमारी मीशो के पाकिस्तानी कुर्ता सेट हॉल वीडियो, जो कि सारे स्टिच्ड थे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मुझे जो जो कुर्ता अच्छे लगे मैंने वो अच्छे बताए हैं, वीडियो स्पॉन्सर नहीं थी, सारे मैंने अपने पसंद के अपने पैसों से खरीदे हैं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो बोला, जो नहीं लगा मैंने उसका भी बोला। ये वाले कुर्ते की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।